पाकिस्तानी क्रिकेट में आए दिन कोई न कोई नया बवाल देखने को मिल ही जाता है, चाहे वो क्रिकेटर्स और पूर्व क्रिकेटर्स के बीच मतभेद हो, सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेटर्स की फॉर्म को लेकर उठने वाले सवाल हो या फिर कुछ और ही, हर दिन कोई न कोई मामला सामने आ ही जाता है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज इमरान नाजिर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, सुनकर एक बार तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा। दरअसल इमरान ने दावा किया है कि उन्हें धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। इमरान ने कहा कि जब 1999 से 2012 तक वे अपने करियर के पीक पर थे तो उन्हें जहर दिया गया था। बता दें कि पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज ने पिछले साल अपनी बीमारी का खुलासा किया था। इमरान ने पाकिस्तान के लिए 8 टेस्ट मैच और 5 वनडे मैच खेले हैं। अब हाल ही में जब उन्होंने MRI स्कैन कराया तो पाया कि उन्हें जहर दिया गया था। इमरान ने बताया कि ये एक इस प्रकार का जहर था जो धीरे धीरे असर करता है और इंसान के जोड़ों पर इसका असर पड़ता है, साथ ही का नुकसान लंबे समय तक होता है। इमरान ने खुलासा किया कि वे 6 से 7 साल तक जोड़ों के दर्द से पीड़ित रहे और 8 से 10 साल तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी बिस्तर नहीं पकड़ा। इमरान ने यह भी बताया कि उन्हें बहुत से लोगों पर शक भी था, लेकिन पता नहीं चल पाया कि ऐसा किसने किया है। वैसे फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि धीमा जहर मरकरी का हो सकता है जो इंसान के शरीर पर धीरे धीरे काम करता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना।